हाल ही में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल आया है सुमित जी का। सर, ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा चैनल जो है वो लगातार फॉलो कर रहे हैं। सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपसे जानना चाहते हैं कि प्री इमर्ज हर्बिसाइड्स और पोस्ट इमर्ज हर्बिसाइड मूली फार्मिंग के लिए जो है वो इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। साथ ही में ये केमिकल प्रोग्राम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के लिए भी जानकारी चाहते हैं, तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो ग्रीन टीवी को बधाई कि आप देश में ही नहीं विदेश में भी उतने ही रूप से लोग आपको सुन रहे हैं। जी, जहाँ तक ये हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक, हर्ब कोई भी झाड़ी या पौधा, खरपतवार वो है जो अनावश्यक पौधे हैं खेत में। जी, जैसे गेहूं में अगर गुल्ली डंडा हो जाए तो वो खरपतवार हो गया। जी, तो जो हम फसल उगा रहे हैं वो उसके अलावा कोई पौधा है जो आवश्यक नहीं खेत में, वो खरपतवार है। जी, और उसको नाश करना है क्योंकि जो हमें उपज मिलेगी उसमें उसकी मिलावट होगी और उसके गुणवत्ता पे प्रभाव होगा। और खरपतवार खुराक और पानी और प्रकाश तीनों के लिए प्रतियोगी बनते हैं, जो मुख्य फसल है उनके। जी, तो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जो खुराक आपने दी है, खाद दिया है फसल के लिए, वो खरपतवार लेके भाग जाते हैं। जी, तो उनको हटाना ज़रूरी है। अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा है, प्री इमर्जेंस पोस्ट इमर्जेंस, इमर्जेंस का मतलब है अंकुरण से पहले, अंकुरण जर्मिनेशन हुआ और इमर्ज करना है यानी जमीन से निकलने से पहले। जी, हमने बुआई कर दी किसी फसल की और उसका अंकुरण हो रहा है जमीन में, लेकिन जमीन से बाहर जब वो अंकुर निकलेगा उससे पहले हम कोई दवा छिड़कते हैं तो वो प्री इमर्जेंस है। पोस्ट इमर्जेंस यानी अंकुरण के बाद, ये बात में जी। प्री इमर्जेंस, ये बड़े जो खरपतवार नाशी हैं ये एक तरह से विशेष तौर से कोई चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं या सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनके लिए विशेष तौर से होते हैं कि जिससे सभी पौधे मरें तो फसल भी मर जाएगी। तो हर फसल में कुछ कुछ हम एक जिसे कहते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड, विशेष तौर से करना है कौन से डालना है और कब डालना है। जी, दूसरी है टाइफ्लोरलिन, ये भी इसकी मात्रा भी 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर है जी। तो ये भी प्री इमरजेंस के लिए है। एलाक्लोर एक और नाम है जी, जिसको, तो कई ऐसे ब्यूटा क्लोर हो सकता है, मेटाला क्लोर हो सकता है, तो ये सारे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड हैं, ये काम में लें। पोस्ट इमर्जेंस भी हैं मूली के लिए, पर ये ज़्यादा नहीं है। सेथोसेक्स डीम एक और दवा है, तो उसका 800 ग्राम प्रति हेक्टर की मात्रा लगेगी। तो ये इनको देख लें बाज़ार में किस नाम से मिल रहे हैं, लेकिन इन नामों को ध्यान में रखना ज़रूरी है और मूली के लिए कर सकते हैं। तो सुमित जी, आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।